गोवर्धन में सूरदास महोत्सव के आयोजन से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना एवं ब्रज की लाडली गीतांजलि शर्मा ने गोवर्धन के पारासोली में स्थित सूरदास की साधना स्थली पर जाकर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा ना कि नगरी वृंदावन में होने जा रहे भव्य सूरदास महोत्सव के सफल आयोजन के लिए संत शिरोमणि सूरदास को नमन करते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन की प्रार्थना की और इसी मौके पर ब्रज भाषा के विद्वान कवि हरि बाबू कौशिक ने संत सूरदास पर आधारित कविताओं का पाठ किया। इसी के साथ नरेश स्वामी ने सूर स्थली पर पद गायन कर सबका मन मोह लिया। डॉक्टर नीतू गोस्वामी ने सूरदास पर आधारित सुंदर छंद सुनाया। गीतांजलि ने भाव विभोर होते हुए कहा कि वे गोवर्धन की बेटी हैं और बचपन से ही सूरदास के चरणों में एक छोटा सा प्रयास करना चाहती थी जो आज चिरतार्थ हो रहा है। धीरे धीरे वर्षों पुराना सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे हर वर्ष की भांति भव्य सूरदास महोत्सव का आयोजन वृंदावन में करने जा रहे हैं। कार्यक्रम से एक दिन पूर्व गोवर्धन, गिरिराज और सूरदास जो कि उनके मन में बसते हैं, उनका आवाहन करने वे आते हैं। बिना उनके सब कुछ अधूरा है। गीतांजलि शर्मा ने कहा कि सूरदास को ज्यादातर भक्त कवि के रूप में ही जानते हैं, किंतु बहुत सारे आधुनिक विद्वानों का मत ये है कि कवि सूरदास लोक हितकारी और स्त्रीवादी चेतना भी उनकी पीड़ा का विषय था। सूरदास महोत्सव की स्थापना के पीछे सूर की ये चेतना मुख्य आकर्षण का विषय है। गीतांजलि का ये कहना है कि संत सूरदास की व्यापक दृष्टि को संगीत और नृत्य के माध्यम से वे अपना सम्मान प्रस्तुत कर रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूरदास महोत्सव के माध्यम से देश के जाने माने नृत्य और संगीत गुरु इस आयोजन में अपनी प्रस्तुति देंगे। उनका कहना है कि आने वाले समय में ये महोत्सव शास्त्रीय संगीत और नृत्य जगत के महोत्सवों में से एक प्रमुख महोत्सव के नाम से जाना जाएगा और ये महोत्सव पूरे विश्व में विस्तारित होकर बुलंदियां छुएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, सांसद हेमा मालिनी, विधायक श्रीकांत शर्मा, कथक गुरु उमा डोंगरा समेत कई प्रमुख हस्तियों ने आयोजन के लिए सूरदास महोत्सव समिति और गीतांजलि शर्मा को शुभकामनाएं दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत शिरोमणि सूरदास महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं और ये दो दिवसीय महोत्सव होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और संगीत और साहित्य का एक समागम होता है जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार गुरु आकर के अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से सूरदास जी को भावांजलि अर्पित करते हैं और श्री कृष्ण की भी भगवान के भजनों का बड़ा सुंदर अति उत्तम कार्यक्रम का आयोजन होता है। गीतांजलि, जैसा पिछली बार देखने को मिला था, कई बॉलीवुड सिंगर और बड़े कलाकार आपके कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए थे, इस बार कौन कौन हस्ती आ रही? देखिए, हर वर्ष हमारा प्रयास ये होता है कि जो अच्छे कलाकार हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है और वो वृंदावन आना चाहते हैं, मथुरा आना चाहते हैं, गोवर्धन आना चाहते हैं और यहाँ पर हाजिरी लगाना चाहते हैं ठाकुर जी के चरणों में, तो कलाकार, बहुत सारे कलाकार आने के लिए इच्छुक होते हैं। ये हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है और इस बार जो कलाकार आ रहे हैं मुंबई से, श्री शैलेंद्र भारती जी जो भजन गायक हैं और वो अपने भजनों से महोत्सव में शिरकत करेंगे। उसके अलावा पवित्र भट्ट जी हैं, वो भी मुंबई से आ रहे हैं, अपने समूह के साथ में भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। और टी राडी लक्ष्मी हैं, वो कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, वो अपनी नृत्य की प्रस्तुति करेंगी।